कारवन विधानसभा में जीएचएमसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असुद्दीन अवैसी के निर्देश पर एआईएमएम के कारवन के विधायक कौसर मोहियुद्दीन ने कई देर तक समीक्षा बैठक की, जिसमें जीएचएमसी, वाटरवर्क्स, टीएसएस, पीडीसीएल के अलावा रामकी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कौसर मोहियुद्दीन ने रामकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि दो मरतबा कचरा उठाया जाए और इसके अलावा भी सीसी रोड, बीटी रोड और बॉक्स टाइप ड्रेन और सड़कों के चल रहे हैं कार्य में तेज़ी लाने के लिए भी कौसर मोहियुद्दीन ने आदेश दिया। विधायक ने कहा कि एलईडी लाइट जहां पर भी नहीं चल रहे हैं उसे ठीक किया जाए और इसके अलावा मिनीमास लाइट और पोल्यूशन इश्यू पर भी विधायक ने चर्चा की। विधायक ने कहा कि इस समीक्षा बैठक में जो भी आदेश दिए गए हैं तमाम विभाग के अधिकारियों को उसमें तेज़ी लाई जाए। अधिकारियों ने विधायक को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द तमाम विकास कार्य तेजी के साथ होंगे और इस समीक्षा बैठक में एआईएमएम के कारवन विधानसभा के पार्षद मोहम्मद नसीर, सौमी औदो, वजीउज्जमा हारून फरान और इनके अलावा एआईएमएम के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। बड़ी लाइन जा रही है तो उसको नीचे करेंगे वाले वो है आपके ऑफिस का है, कंपनी विभाग का है। अरे है तो करो जी, तो नहीं करें पूरा पुलिस के मीटिंग अपने आदरबा मेन रोड पर अंदर जाते तो बड़ी रोड है आदरबा की, जबीर भाई घर के सामने वो पूरे मॉडल को नीचे कर दो अंदर लाते कर सके आदरबा है आगे ऑफिस की रोड है सड़क वाली खत्म हो जाता वो इससे साल नहीं होता प्रॉब्लम आज हो रहा क्या हुआ देखना खोद के करके जो बाजावाड़ी को करके पकड़ लेते हैं पुलिस आ रहा न्यू आज सदर मोहतरम जनाब नखिब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ सेक्शन के ऑफिसरों के साथ में मीटिंग की गई, जिसके अंदर ख़ासतौर से सैनिटेशन और डिब्रिज का जो मसला चल रहा है उसके अंदर रामकी जो कंपनी को दिया गया जीएचएमसी की जानिब से, रामकी के तमाम अहदेदार और जिसके अंदर रामकी के तमाम कोऑर्डिनेटर्स और हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसएस सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डिप्टी और कोऑर्डिनेटर इन तमाम के साथ में साफ़ सफाई के तालुक से बताया गया और उन्होंने तयफुन दिया कि एक दो चार दिन के अंदर हल्के कारवान के जो भी बल्दी वार्ड के अंदर खास कचरा जो है गारबेज या डिब्रिज जो भी प्रॉब्लम है इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने का तयफुन दिया गया तीन चार दिन के अंदर और एक दिन के अंदर जो भी ओपन पॉइंट्स है दिन में तीन मरतबा लिफ्ट करने का उनको एग्रीमेंट है जीएचएमसी की जानब से, उसके ताल्लुक से भी बताया गया, डिब्रिज के ताल्लुक से भी बताया गया और तयफुन दिए गए दो तीन दिन के अंदर पूरा क्लियर कर कर हमारे कॉर्पोरेटर्स को हमारे लोकल इब्तदाई सदर मतमंदिर को बताने का तय किया गया और उस मीटिंग के अंदर डिप्टी कमिश्नर और उनके तमाम अहदेदार रामकी कंपनी के अहदेदार और दीगर ऑफिसर के साथ मीटिंग की गई। उसके बाद जीएचएमसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्कल 13 के उनके डिप्टीज, उनके असिस्टेंट इंजीनियर, उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में जो सबका में फ्लड के दरमियान में जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे उन तमाम के ताल्लुक से बताया गया, जो सेंक्शन शुदा काम हैं जो टेंडर हो चुके सबका में दो तीन महीने से जो जीएचएमसी के कंट्रैक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से काम को रोक दिया गया था उन तमाम कामों को चालू करने के लिए और ख़ास जो मेन होल्स वगैरह है कच्ची मोरी के उन तमाम को रिपेयर कर कर जो डैमेज है और जहां पर मिसिंग कवर्स है उन तमाम चीज़ों की नुमाइंदगी करी और आइडेंटिफाई किया गया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवानंद, डिप्टी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर तयफुन दिए गए जितने भी सेंक्शन शुदा काम आए एक हफ्ते के अंदर तमाम के तमाम कामों को चालू करने का तयफुन दिए गए और कई नए काम को प्रपोजल दिया गया था आज शाम तक या कल शाम तक इंशाल्लाह कमिश्नर के पास जितने भी प्रपोजल थे उन तमाम सीसी रोड, पीडीसी रोड, पाइप ड्रेन्स वगैरह के तमाम जो भी है पेंडिंग वो तमाम के तमाम कमिश्नर के पास भेजकर संख्या लेने का तयफुन दिया गया और साथ ही साथ वाटरवर्क्स के जीएम
सर्कल 3 के डिवीज़न 3 के उनके सबॉर्डिनेट डीजीएम और उनके मैनेजर्स के साथ में जो आधी रात को 12 बजे 1 बजे रात को कारवान के हल्के के अंदर कई कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो 1 बजे रात को भी पानी आ रहा है और लो प्रेशर की शिकायत थी, उन तमाम तालुक से बताया गया, जैसा कि सब्जी मंडी, ऊपर बस्ती, गंगानगर, न्यू गंगानगर, जियागुड़ा, इन तमाम इलाके के कई कंप्लेंट थे। जीएम साहब को तमाम को बताया गया और उन्होंने तयखुन दिए कि 9 से 9:30 के दरमियान में तमाम के तमाम इलाके जात की सप्लाई को देकर बंद करने का तयखुन दिए और ख़ास तौर से आज की कंप्लेंट के अंदर जो पॉलिशंस के थे शिकायत, उन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया और उन्होंने तयखुन दिए कि 8-10 दिन के अंदर जितने भी पॉलिशन के शिकायतें, चाहे मुगल नगर हो या जियागुड़ा, पन्नीपुरा और मराठी बस्ती या ऊपर बस्ती, जहाँ पर भी पॉल्यूशन हो रहा है, टोली चौकी, गोलकुंडा, हकीम पेट, लंगर हाउस, इन तमाम इलाके जात के जो भी कंप्लेंट थे, उन तमाम कंप्लेंट को जल्द से जल्द पॉल्यूशन के कंप्लेंट को तयफुन लिया गया, जल्द से जल्द कंप्लेंट करने का तयफुन दिया गया और जहाँ पर भी नए प्रपोजल दिए गए थे, चाहे मिनरल्स का हो या वाटर्स के वालों का हो या नए लेंस का, उन तमाम कामों को मंजूर हो चुके हैं, इंशाल्लाह कई काम सेंक्शन भी हो चुके हैं और टेंडर प्रोसेस में, जैसा कि करीब करीब 1.5 करोड़ की लागत से वाटर लाइन दिए गए थे उसे कारवान के, वो तमाम टेंडर में लगे हुए हैं और कई जगह पर नए बूस्टर का दिए थे, चाहे वो पन्नीपुरा कारवान का हो या हमारे टोली चौकी जो हकीम शाह कॉलोनी है वहाँ पर नए बूस्टर का दिए थे, कई बोरवेल्स का दिए थे, हैंड बोरवेल्स का दिए थे, वो तमाम के तमाम मंजूर हो चुके हैं, इंशाल्लाह टेंडर प्रोसेस में जल्द से जल्द काम को चालू कराने का तय किया गया और आज की मीटिंग के अंदर तमाम हल्के कारवान के कॉर्पोरेटर स्वामी यादव साहब, नसीर साहब, फरहान साहब, वजी मस्जिद भी बद्रुद्दीन साहब और भी जमात के तमाम सदर मोतमदीन गोलकुंडे के और टोली चौकी हकीम पेट के एमडी लाइन के कारवान के तमाम के तमाम जियागुड़े के सदर मोतमदीन भी जो शामिल थे। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आपके हल्के के जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको, मेरी जमात के सदर मोतमदीन को या मेरे कॉर्पोरेटर को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया खुदा।